चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखते हैं क्या है आइडियल सॉल्यूशन, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जानते हैं इसके बारे में। देखो सिंपल सा आइडियल देखो सॉल्यूशन की वैरायटी एक टाइप है जिसको मिक्स किया आपने दो चीजों को, उसको मतलब राउल्ट लॉ का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं नहीं करते, ओवर करते हैं नहीं करते, उस पर डिपेंड है ना। आइडियल सॉल्यूशन देखो मैं राउल्ट लॉ मतलब जो वो सॉल्यूशन सारे जो राउट लो को ओबे करते हैं। राउट लो को ओबे करने का मतलब क्या हुआ, जो पी ऑफ ड्यू टू ए प्रोपोर्शनल टू एक्स से आ जाएगा, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से आ जाएगा, मतलब ये राउट लो को ओबे करता है। और पी भी क्या आ जाएगा, पी नॉट भी एक्स भी, मतलब थियोरिटिकल जो भी फॉर्मूले लगाए हैं बनाए हैं राउट ने, वो सारे यदि एप्लीकेबल है प्रैक्टिकल वैल्यू के इक्वल आ जाए उसकी, तो आइडियल सॉल्यूशन। देखो कैसे, जैसे पी एस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये याद हो तो अपने राउल्ट लॉ से ही निकाला था। जहां पी एस क्या है, प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मत, और जो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स जो राउल्ट लॉ से निकाला गया है, जिसको अपन बोल सकते हैं थियोरिटिकल वेपर प्रेशर। तो यदि प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर थियोरिटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, मतलब आपने जो प्रैक्टिकली लैब के अंदर जाके उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकाला है, वही वेपर प्रेशर आपके फॉर्मूले पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के लिए आ जाए, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब राउल्ट लॉ का ओबे फॉलो कर रहा है। और यदि राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता तो उसको बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो कैसे नहीं करेगा, जो सॉल्यूशन का आपने प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर निकाला है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली निकाला है, वो नॉट इक्वल टू जो थियोरिटिकली आपने फॉर्मूले, थियोरिटिकल मतलब आपने फॉर्मूले से जो वैल्यूज निकाली है पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल ना आए, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो जो कभी भी कोई चीज आपस में इक्वल ना हो तो उसमें दो केस बन सकते हैं, या तो उससे बड़ी हो गई हो, मतलब प्रैक्टिकल डेटा जो है प्रैक्टिकल पेपर प्रेशर या तो थियोरिटिकल से ज्यादा हो गया हो, या फिर प्रैक्टिकल से थोड़ा कम हो गया, या प्रैक्टिकल खुद कुछ कम हो गया हो। तो दो केस बने अपने पास, या तो प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, या फिर प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर थियोरिटिकल से कम हो जाए। यदि ज्यादा है वेपर प्रेशर थियोरिटिकल से प्रैक्टिकल वाला, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोला जाएगा, और यदि प्रैक्टिकल वाला कम आ जाए तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन। आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव वाला एज एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ गया वेपर प्रेशर तो पॉजिटिव नाम रख दिया, और जितना थियोरिटिकली अपने सोचा था प्रैक्टिकली उससे कम आ गया तो क्या नाम रख दिया, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी कैसे समझाया जाए क्यों पॉजिटिव डेविएशन आया, क्यों नेगेटिव डेविएशन आया, या फिर सॉल्यूशन क्यों आइडियल बनाया। देखो इसको बॉन्ड एनर्जी के बेस पर अपन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे। जो जैसे मैंने बोला कि ए टू और बी टू, इसमें कोई भी एक सॉल्वेंट है, कोई एक सॉल्यूट है, ए टू और बी टू दो वोलेटाइल सब्सटेंस है, उनको मैंने मिक्स किया तो ए बी एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि यदि सॉल्यूशन आइडियल है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ए बी के बीच में आई है, या जो बॉन्ड एनर्जी ए बी के बीच में आई है, वो बॉन्ड एनर्जी इन दोनों बॉन्ड एनर्जी का एवरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्ट्रेंथ से पहले बॉन्ड बने हुए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में, वापस सॉल्यूशन बनने के बाद उनके बीच में उसी स्ट्रेंथ का बॉन्ड बन गया, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब पहले जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वैसी की वैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बाद में आ गई, इसका मतलब ना तो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हुआ सॉल्यूशन बनने के बाद, ना ही कमजोर हुआ। हाँ, इससे ये पॉइंट जरूर सीखा जा सकता है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर 0 हो गया। क्यों, यदि बॉन्ड मजबूत बनता स्ट्रॉन्ग बनता तो क्या होता, जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो हीट रिलीज होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव नहीं आ जाता क्या। और यदि बॉन्ड वीक बनता तो एनर्जी क्या होती, एब्जॉर्ब होती, तो इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं आ जाता क्या। ठीक है, तो अभी तो बस इतना ही सीखते हैं अपन लोग कि जिस बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले जो सॉल्यूट सॉल्यूट की और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की आपस में थी, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपस में बन चुकी है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही वेपर प्रेशर आएगा। अब देखो आप जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो सॉल्यूशन की बनेगी थोड़ी कमजोर होगी, गेट वीकर। क्यों, अरे यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तभी तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, और जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल दिया अपन लोगों ने, शायद अब फील आ रही होगी कैसे यू आया। ठीक है, अब
अपन चर्चा करते हैं नेगेटिव डिवीजन की तरफ। तो एबी बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर, मतलब अब जो बॉन्ड बना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है एज कंपेयर टू पहले जैसा बॉन्ड था, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ होगा, यदि बॉन्ड मजबूत बना होगा तभी तो वेपर प्रेशर एस्पेक्ट से कम आया होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से पकड़ होगी उतनी वोलेटाइल नेचर कम होगी, उतनी कम वेपर प्रेशर आएगा, और जितना कम वेपर प्रेशर आएगा मतलब उसको नेगेटिव सॉल्यूशन की तरफ अपन ने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने चर्चा कर ली थी डेल्टा एच जो था, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, जब आपने मिक्स किया तो उसका डेल्टा एच क्या आया, जीरो, क्योंकि ना तो बॉन्ड बहुत मजबूत बना और ना ही कमजोर बना, जिस स्ट्रेंथ का पहले बॉन्ड था उसी स्ट्रेंथ का अब बॉन्ड वापस बन चुका है, तो ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो गया। हाँ, इसकी चर्चा करते हैं अपन। आप लोग सोचो क्या होना चाहिए, कि बॉन्ड जब कमजोर बना, बॉन्ड पहला जितना स्ट्रेंथ था उससे स्ट्रेंथ कम हुई, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी ज्यादा स्ट्रेंथ का बनता, जब भी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ का बनाएगा तो हीट क्या होगी, रिलीज, क्योंकि अब बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो चुका है, जब भी बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो मजबूत हुआ तो नेट हीट जो थी रिलीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट में इतने मजबूत बॉन्ड नहीं थे, जितने मजबूत बॉन्ड जितने स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड प्रोडक्ट साइड में बन गए, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, तो इसमें तो एब्जॉर्ब होनी ही चाहिए, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सर इज गोस टू जीरो, क्या है डेल्टा वी ऑफ मिक्सर अपन समझते हैं। देखो, अपन ने ए टू और बी टू को जिनको मिक्स किया आपस में, ए टू और बी टू को जिनको मिक्स किया, मैंने इसका 10 ml लिया और बी टू को भी 10 ml ही लिया, ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, दोनों को मिला दिया जाए तो 20 ml। अब जैसे ही मिलेगा तो फाइनल वॉल्यूम, देखो इनिशियल वॉल्यूम वो है तो वो दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे, और फाइनल वॉल्यूम वो है जब उनको मिक्स कर दिया गया है, वो है फाइनल वॉल्यूम, तो है फाइनल वॉल्यूम। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो पहले दोनों का सम करोगे तो 20 मिलना कंफर्म है, और इसमें जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो सेम रहा, सोचो यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या फर्क पड़ता है वॉल्यूम के, वो समझना चाह रहे हैं अपन लोग, सोचो ना यदि बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता तो पार्टिकल पास आते, और पार्टिकल पास आते ना तो कंफर्म मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बनता वो 20 ml से कम बनता, और यदि बॉन्ड कमजोर बनता तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा रह जाती, और जब डिस्टेंस ज्यादा रह जाती तो वॉल्यूम जो था वो 20 से ज्यादा ही आता, लेकिन यहां पर तो जिस स्ट्रेंथ के पहले बॉन्ड थे, सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ, वापस उसी स्ट्रेंथ का बॉन्ड बना है, तो वापस मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम 20 ml ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर चर्चा करते हैं, तो पहले तो 10 10 20 ml ही रहना है, लेकिन बाद में जैसे मिक्स किया तो बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड हुआ कमजोर, क्योंकि अपने को पता है पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, जब बॉन्ड कमजोर हुआ तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई होगी मतलब पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा रही होगी, और पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा रही होगी तो फाइनल जो वॉल्यूम आया होगा वो ग्रेटर देन 20 ml आया होगा, कन्फर्म है। और यदि फाइनल वॉल्यूम कन्फर्म है 20 ml से ज्यादा आ जाएगा, पार्टिकल दूर दूर हो चुके हैं, तो कंफर्म है कि डेल्टा वी मिक्सचर है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनली वॉल्यूम 20 से ज्यादा है और इनिशियली 20 ही है, तो इसका डिफरेंस जो डेल्टा वी होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो क्या आ जाएगा, 0 से ज्यादा। ओके, अब इसके अंदर चर्चा करते हैं, इसका वी फाइनल क्या आएगा दोस्तों, इसका वी फाइनल आएगा 20 से कम, क्यों, अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने हैं, और यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हुई, और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हुई तो फाइनल वॉल्यूम जो था वो कन्फर्म है 20 से क्या हो जाएगा, सॉरी 20 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम 20 से कम हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी होता है, जो कि एक नेगेटिव ले देगा आपको। नेक्स्ट है डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, जब कभी भी दो डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाया जाता है तो रैंडमनेस बढ़ती है, क्यों, ये सेपरेट था, ये सेपरेट था, ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट रख रहा था लेकिन एक ही टाइप का पार्टिकल था, ये अपना अरेंजमेंट रख रहा था जैसा भी रख रहा था लेकिन एक टाइप का यार पार्टिकल था, लेकिन जैसे ही मिक्स हुए तो क्या दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल नहीं आ गए क्या, और दो डिफरेंट चीजें यदि आपस में मिक्स किए जाए तो रैंडमनेस बढ़ेगी, जैसे एक साइड गर्ल्स बैठी हो एक साइड बॉयज बैठे हो,
तो थोड़ा कम रैंडमनेस है। यदि गर्ल्स और बॉयज को जम्बल कर दिया जाए, कम कहीं गर्ल्स कहीं बॉयज कैसे भी रैंडमली बिठा दिया जाए, तो कन्फर्म रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा तो कन्फर्म ऐसा कुछ ही होता है, पॉजिटिव डेविएशन से नेगेटिव डेविएशन से आइडियल होते हैं नॉन आइडियल कुछ ही हो, उस केस में क्या हो जाएगा डेल्टा एफ एस ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये रैंडमनेस तो हमेशा इंक्रीज ही होगी जब दो चीजों को मिक्स किया जाएगा। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। देखो डेल्टा जी का जो रिलेशन है वो कैसे निकाला जाता है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। ये अपने को फॉर्मूला 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी के टाइम पे। अब देखो इसमें डेल्टा डेल्टा एच और डेल्टा एफ पे डिपेंडेंसी है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो डेल्टा एच जो है वो है जीरो, ठीक है, और डेल्टा एस जो है वो है पॉजिटिव, और इस डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आइडियल सॉल्यूशन का बनना, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए चर्चा करते हैं, तो इसमें देखते हैं, हालांकि इससे पहले ये आसान रहेगा वो देखते हैं, वापस वही फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा आसान है इससे पहले इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एस क्या है नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, जिस वजह से ये नेगेटिव मेंटेन रहेगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाना है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डेविएशन की सॉल्यूशन का बनना भी स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं उनका बनना या नहीं बनना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं, वापस ये इक्वेशन लिखते हैं अपन लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब आप लोग देखो इसके अंदर यदि बात करता हूं डेल्टा एच की तो डेल्टा एच है पॉजिटिव, और यदि बात करता हूं डेल्टा एस की तो पॉजिटिव था ओवरऑल यहां पर क्या आ गया नेगेटिव, तो एक तो पॉजिटिव साइन रख रहा है और एक नेगेटिव साइन रख रहा है, अल्टीमेटली इनमें से कौन ज्यादा होगा उस पर डिपेंडेंसी होगी। ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, यदि मतलब किस चीज पे डिपेंडेंसी कौन ज्यादा हुआ, या तो डेल्टा एच ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, और यदि टी डेल्टा एस ज्यादा हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अपन डेल्टा एच और डेल्टा एस पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं मानते, केवल टी पे डिपेंडेंसी की चर्चा करें तो ये मतलब जनरली टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी शो करता है, तो टी पे मेनली चर्चा की जाएगी। यदि टेम्परेचर ज्यादा है, यदि टेम्परेचर हाई है तो टी डेल्टा एस ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से तो सॉल्यूशन आ जाएगा, या डेल्टा जी तो नेगेटिव आने की वजह से तो डेल्टा जी नेगेटिव सॉल्यूशन तो बनेगा अपना आप बनेगा, मतलब हाई टेम्परेचर में सॉल्यूशन अपना फॉर्म होते हैं, और यदि बात करें लोअर टेम्परेचर पे तो लोअर टेम्परेचर में टर्म छोटी हो जाएगी, तो डेल्टा जी पॉजिटिव सॉल्यूशन नॉर्मल या लेस टेम्परेचर पे अपना आप नहीं बनेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका डेल्टा जी दो तरह से अपने को देखने को मिला, क्या क्या दोनों पॉइंट अपन कंबाइन करके यहां पर लिखते हैं दोनों पॉइंट को, डेल्टा जी नेगेटिव कब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, और डेल्टा जी है पॉजिटिव जब टेम्परेचर बहुत कम हो, ये दो पॉइंट अपने को देखने को मिले डेल्टा जी ऑफ मिक्सर के लिए। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, देखो क्या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था थ्योरेटिकली जो निकाला था प्रैक्टिकल वही वैल्यू आएगी, जितना अपने थ्योरेटिकली वैल्यू एक्सपेक्ट किया था वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का इसका आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उतना ही रहा। अब मैं एक तुम लोगों को चीज बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, और जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। कैसे हुआ ये सिखाया जाएगा तुम लोगों को, रिलेशन कैसा है, डिपेंडेंसी कैसे आएगी सिखाई जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो अपन बात करते हैं वापस इसी पे पॉजिटिव डिविजन पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो था वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ आ गया ऐसा क्यों, क्योंकि यदि वेपर प्रेशर बढ़ता है एक्सपेक्टेड से प्रैक्टिकल से तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल से यदि प्रैक्टिकल बढ़ गया। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं, अपना एक्सपेक्टेड जो था उससे पेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जो अपना एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी अपना थ्योरेटिकल था उससे यदि कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो लास्ट पॉइंट है, हालांकि सेकंड लास्ट पॉइंट, क्योंकि इसके बारे में कुछ ग्राफ भी डिस्कस करने हैं। इसमें देखो मैंने क्या दिखाया है, एग्जाम्पल। अब यार ये एग्जाम्पल बहुत आते हैं, मतलब बहुत बार ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कैसे, मतलब, और इसका तरीका भी अलग अलग क्वेश्चन पूछने के, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं उसकी भी चर्चा करता हूँ मैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसमें कि कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन है, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, वो पूछा जाता है पहला क्वेश्चन डायरेक्ट। आपको यदि याद है तो आपका जवाब सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। दूसरा देखो, आपको प्रैक्टिकल मतलब वो देगा कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना मिला आपने को, इसका मतलब प्रैक्टिकल डेटा दे रखा है। और यदि प्योर स्टेट में पी नोट दे दिया, पी नोट भी दे दिया, एक्सट्रैक्ट भी दे दिया, और फिर पूछे गया आइडियल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव डिवीजन इन दोनों आइडियल है, तो आपको क्या करना है, जो थ्योरेटिकल डेटा दे रखे उसके लिए आपको वैल्यूज निकालनी है, और उस वैल्यू से चेक करना है कि प्रैक्टिकल से यदि कम आ रहा है, प्रैक्टिकल डेटा से यदि कम रह गया, मतलब जो थ्योरेटिकल डेटा प्रैक्टिकल से कम रह गया पॉजिटिव डिवीजन, और थ्योरेटिकल डेटा ज्यादा रह जाता है प्रैक्टिकल से, इसका मतलब नेगेटिव डिवीजन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद करें। इसमें मैंने कुछ तरीके से लिखे, जैसे एग्जाम्पल में देखो एथेनॉल मैथेनॉल, मतलब आइडियल सॉल्यूशन मेरी ट्रिक क्या है, तो सिमिलर टाइप के कंपाउंड को सारा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे एथेनॉल जैसे मैथेनॉल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला देखो CCl4 SiCl4 सिमिलर टाइप के हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सिमिलर टाइप के कंपाउंड है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। डाई ब्रोमो एथेन डाई क्लोरो एथेन, ये भी सेम है। अगला एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों सेम से कंपाउंड है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। बेंजीन टोलुइन दोनों सेम से कंपाउंड है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अपन पॉजिटिव डेविएशन वाले कंपाउंड्स के लिए चर्चा करते हैं। तो एथेनॉल जो है 1 2 3 4 5 6 जनों के साथ आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, कौन कौन, हेक्सेन वाटर बेंजीन एसीटोन एथेन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसमें से बेंजीन और ईथर अलग अपना पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनाता है, और साथ ही क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 आपस में पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इसमें देखो वाटर के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है उस सॉल्यूशन का, मतलब हीट रिलीज होती है, मुझे इसी ट्रिक से याद रहता है, इसका मतलब नेगेटिव डिवीजन। हाँ एक और ट्रिक है, जितने भी पॉजिटिव डिवीजन उसमें सारे सब ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, जितने भी नेगेटिव डिवीजन ऑलमोस्ट उसमें नेगेटिव है, तो ये दोनों दो ट्रिक्स आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यदि अपन चर्चा करें पानी के साथ यदि स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो तो हीटअप होगा पानी, इसका मतलब वहां पर भी नेगेटिव डेविएशन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। उसके बाद अपन चर्चा करें एसिड प्लस बेस में हीट रिलीज होती है, तो अल्टीमेटली वो भी एक कैसे सॉल्यूशन बनेगा, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाला बनेगा। उसके बाद यदि वाटर प्लस अमोनिया को मिक्स किया जाए तब भी एक नॉन आइडियल पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डेविएशन बनेगा, और अल्टीमेटली एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो कि एक नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसी के ग्राफ की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ किस चीज के बना रहे हैं, वही ग्राफ जो अपन ने पहले बनाए थे, किस चीज के आइडियल सॉल्यूशन का बनाया, याद हो तो आपको, ये था पी ए, ये था पी बी, ये था पी टोटल, पी सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं अपन लोग पी एंड पी बी, ये पी ए था, ये पी बी था, ये पॉइंट पी नॉट बी था, ये पॉइंट पी नॉट ए था, ये एक्स से एक्स बी था, यहाँ पर भी एक्स से एक्स बी था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ
लिक्विड स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया होता है। टोटल मतलब ग्राफ अपन लोगों ने बनाया हुआ था। यदि अपन बात करें पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या चेंज देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो पहले तो अपन ने तो आइडियल के लिए बनाया, सेम टू सेम वो ग्राफ बनाते हैं, सिमिलर ग्राफ बनाया अपन ने, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है वो अपन कर देते हैं, उन चेंजेस को ले आते हैं। मैंने इसको डैश डैश लाइन से इसलिए बनाना प्रिफेयर किया क्योंकि अपन देखना चाहते हैं चेंज कहाँ हुआ। ये आइडियल का था, लेकिन अपना जो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नहीं आ गया है क्या, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बन जाएगा क्या? तो पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड से कुछ ज्यादा, तो ग्राफ आइडियल से थोड़ा इसका प्रेशर वेपर प्रेशर ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब यदि पी ए और पी बी ज्यादा रहा होगा तभी तो पी ए ज्यादा आया होगा। क्यों? क्योंकि पी एस होता क्या है, पी ए प्लस पी बी, और पी एस प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी था तो पी ए भी बड़ा होगा, पी बी बड़ा होगा, तभी तो पी एस बड़ा होगा। और नेगेटिव में क्या देखेंगे, ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है एक्सपेक्टेड से क्या है कुछ कम आया है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका भी अपन ग्राफ बनाते हैं साथ में। इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ से या एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ पी एस की कम आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अगर पी ए भी कम हुआ होगा एक्सपेक्टेड से और पी बी भी कमी होगा, सेम ग्राफ है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या गया, पी एस जो था वो नेगेटिव डेविएशन में तो घट गया है और पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ गया है। ठीक है, तो आइडियल दोनों आइडियल खत्म हुआ। कैसे हो बच्चों? नेक्स्ट अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना? नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं इसको। देखो इसके डेफिनेशन पे आते हैं सबसे पहले, ये मिक्सर क्या होता है। पहले तो बात, ये किसके लिए डिफाइन होता है, दो वोलेटाइल सब्सटेंस को जब मिक्स किया जाता है तब डिफाइन होता है। तो पहले डेफिनेशन क्या है कि द सॉल्यूशन हुज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट हो। हाँ, अजीब सी बात लग रही है, फिर तो दुनिया का हर मिक्सर एजियोट्रॉपिक होने चाहिए ना? नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा यदि वो धीरे धीरे इवेपोरेट किया जाए तो। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने एक बीकर में ए प्लस बी दो मिक्सर लिए हैं और इन दोनों में धीरे धीरे इवेपोरेट करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे तो एक्स ए और एक्स बी जो लिक्विड स्टेट में इनके मोल फ्रैक्शन है वो चेंज होंगे, और जैसे जैसे वो चेंज होंगे एक्स ए और एक्स बी तो पी टोटल क्या होता है। अरे ये चेंज क्यों रहे भाई? क्योंकि जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे तो जो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा उसके ज्यादा मोल फ्रैक्शन वेपर में जाएंगे। इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, कंफर्म है कि यदि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो इसके वेपर फेज में ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, तभी तो अपन उसका फ्रैक्शन डिस्टिलेट कर पाएंगे बार बार ये काम रिपीट करके। ठीक है, तो पी टोटल क्या आ गया, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। देखो एक्स ए एक्स बी मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा वोलेटाइल यदि पानी में ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे एक्स ए कम होता जाएगा और एक्स बी बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो पी टोटल है वो चेंज नहीं होता जाएगा क्या? और यदि पी टोटल चेंज होगा तो पी टोटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा क्या? क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा क्या? लेकिन यदि पी टोटल कॉन्स्टेंट हो जाए, सोचो एक बार, पी टोटल कॉन्स्टेंट क्यों हो सकता है जब एक्स ए और एक्स बी कॉन्स्टेंट हो जाए, और एक्स ए एक्स बी तभी कॉन्स्टेंट हो सकता है जब एक्स ए इज इक्वल टू वाई है। तो सेकेंड पॉइंट अपन ने ये लिखा है, द कंडीशन ऑफ एजियोट्रॉप इज एक्स ए इज इक्वल टू वाई है। समझ आई बात? एक्स ए इज इक्वल टू वाई होगा तभी एजियोट्रॉप बन सकता है। आगे बात समझ, एक बात सोचो कि एक्स ए बराबर वाई हो जाए, मतलब जैसा जैसा वो कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में थे एक्स और एक्स बी, वैसे वैसे है जैसे किसी उठ के वेपर में जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब दो अलग अलग चीजें, मतलब यदि एक ज्यादा इवेपोरेट होता एक कम इवेपोरेट होता तो ऐसा फील आ सकता था कि दो अलग अलग कंपोनेंट पहले से मिक्स पड़े हैं। जैसे लिक्विड स्टेट में उनका कंपोजिशन था वैसा वैसा कंपोजिशन यदि वेपर फेज में चला जाए तो ऐसा लगेगा सिंगल कंपोनेंट ही है, तो इसलिए इस मिक्सर को क्या बोल सकते हैं, मिक्सर बिहेव एज सिंगल कंपोनेंट सॉल्यूशन। ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक चीज और सोचो, यदि वो सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या उसका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? यदि सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव किया तो जो ज्यादा वोलेटाइल वेपर में ज्यादा नहीं आएगा उसका फ्रैक्शन। इसका मतलब यदि फ्रैक्शन ज्यादा नहीं आ पाएगा तो अपन उसको डिस्टिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि अपन डिस्टिलेट करेंगे या डिस्टिलेशन करेंगे तो जो फाइनल डिस्टिलेट बचेगा या आएगा वो सेम मोल फ्रैक्शन ही रखेगा जिससे अपन ने स्टार्ट किया था। आगे बात समझ में, तो अल्टीमेटली
यदि अपन इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, समझ में आएगा क्यों। चलो अगला पॉइंट क्या है, ये जनरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही ऐसा बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सर आते हैं, पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर। देखो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या, जब दोनों जो लिक्विड आपने मिक्स किए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उन दोनों से कम आ जाए मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको मिनिमम बॉइलिंग बोल दिया। और यदि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नेट सॉल्यूशन या मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ठीक है। अब एक और चीज सोचो आप लोग कि यदि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट यदि कम आ जाता है तो कंफर्म है दोनों के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इन्वर्सली होता है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से यदि कम आता है नेट मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा आता है। पर आप देखना एक चीज, आइडियल तो सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था आप लोगों को याद हो तो, ये वाला बहुत बार बनाया, पी टोटल, यहां पर पी नोट ए हुआ करता था और यहां पर पी नोट बी हुआ करता था। आप पी टोटल देख लो, पी नोट ए से हमेशा छोटा रहता था और पी नोट बी से हमेशा ज्यादा रहता था, मतलब दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर के बीच में रहा करता था। परंतु यदि अपन चर्चा करते हैं नॉन आइडियल में, तो नॉन आइडियल में हो सकता है उससे ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे से चला जाए, तो ये नॉन आइडियल के अंदर ही शो हो सकता है, यहां से ही प्रूव होता है अपने, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव, देखो अपन ने क्या बोला कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा चाहिए, मतलब ग्राफ ऊपर से जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का नहीं है क्या, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जनरली जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होते हैं वो कौन होते हैं पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, H2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का 78.3। अब यदि मिनिमम बॉइलिंग है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम नहीं आना चाहिए क्या, तो H2 के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है एक्वस एथेनॉल का और एथेनॉल के प्योर से भी कम है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वैसे कुछ इसका एग्जांपल दे, HCl का -85 डिग्री सेल्सियस, H2 का 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो सॉल्यूशन बना है उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है ना, तो दोनों से ज्यादा आया है, ठीक है। अब अपन इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं, तो देखो ये अपन ने ग्राफ याद हो तो डुअल ग्राफ के अंदर बनाया था, और डुअल ग्राफ में भी ये कलर अपन कंपोजिशन काम में ले रहे थे, लिक्विड वाला रेड कलर से बनाया था, लिक्विड वाला रेड कलर से बनाया है, और ब्लू कलर वाला वेपर और ब्लू कलर वाला वेपर, सेम तरीका है, सेम तरीके से काम चल रहा है। ये देख लो आप ग्राफ में देख सकते हो कि मिनिमम बॉइलिंग में दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम, मतलब वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा, तो इसका पी नोट यहां पर वैल्यू है और पी नोट भी ये वैल्यू है। क्या पी नोट ए से ज्यादा वैल्यू नहीं आया क्या, मिक्सर का वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं आया क्या, और ये तो मिक्सर है उस इंस्टेंट पर एक्स से बराबर एक्स भी नहीं हो, एक्स से बराबर वाई ये नहीं हो गया कि देखो जहां पर लिक्विड वाला ग्राफ मैच कर रहा है वहीं पर ही वेपर वाला कर रहा है, तो मतलब दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स से बराबर वाई ये हुआ है और एक्स भी बराबर वाई भी हुआ है, तभी तो यहां पर ये पॉइंट डिफाइन हुआ जिसका नाम अपन एजियोट्रॉपिक रखा है। हाँ वैसे वैसे यदि दोनों के वेपर प्रेशर से यदि कम आ जाए, तो वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रहा होगा, तो ये ग्राफ किसके लिए आ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए। यदि ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती और एक लिक्विड वाली लाइन, सॉरी यदि वेपर वाली कर्व लीनियर होती और लिक्विड वाली स्ट्रेट लाइन होती तो ये तो आइडियल का बनाया था अपन डुअल ग्राफ, लेकिन एजियोट्रॉपिक का ग्राफ इस तरह से होता है। और आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा मिनिमम बॉइलिंग का और किसका मैक्सिमम बॉइलिंग का है, तो मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग मिनिमम आता है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग में वेपर प्रेशर मिनिमम आ जाएगा, इससे याद रह जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़ा ध्यान से समझें, और यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है जरूर पूछें मेरे से, ठीक है, ओके।